नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आखिरी आधे घंटे में बाजार में जो तेजी आई है भाई वाह। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद होगा मैंने आज दिन की शायद सेकंड वीडियो शूट करी थी ऑप्शंस के डाटा के ऊपर, जो ऑप्शन चेन का डाटा दिख रहा था आज NFT का। वहां दो चीज शेयर करी थी कि इस समय जो डाटा शो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि बाजार नीचे जाना चाहिए, बट कभी कभार क्या होता है कि दो चीजें ही होती हैं। देखिए, 18,200 और 300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए थे, यानी कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो उन्हें नुकसान होगा, तो वो अच्छे खासे थे, बड़े लोग बैठे थे, यानी बाजार नीचे जाना चाहिए था, ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब बाजार ऊपर जाने लगे इनकेस, तो वो लोग रिस्क पे आ जाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, पोजिशन को कट करते हैं, और जब वो पोजिशन कट करते हैं तो मार्केट शूट कर जाता है, क्योंकि भैया जो बेचने वाले थे वो भाग गए ना, तो बाजार कर जाता है शूट। और यही हुआ आज। मैंने भी आपसे कहा था कि दो चीजें होती हैं, या तो बाजार उनको रिस्पेक्ट देता है, वो नीचे ही रहता है बाजार, या फिर दूसरी चीज शॉर्ट कवरिंग आती है, और वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई आज। शॉर्ट कवरिंग रेयरली नहीं होती है ट्रिगर, यानी कि देखिए, अगर आप 10 बार का डाटा देखोगे तो 6 बार शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, 6 बार डाटा के हिसाब जाएगा, और 3 या 4 बार शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है। वही होता हुआ दिखाया आज, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई है और बाजार को खींच ले गए, जिन्होंने बेचा था वो पोजिशन कट करने लगे और मार्केट शूट कर गया। जब भी देख रहे हो आप, जैसे ही बाजार 18,250 की तरफ निकला, ऊपर निकला, उसके टिका तो 300 गया सीधे, क्योंकि 250 वाले रिस्क पे वो निकल गए, और जैसे जैसे 300 के पास पहुंचा वैसे वैसे 250 वाले गए। अभी भी 3:12 का समय हो रहा है, और इंटरेस्टिंग है कि मार्केट 300 के ऊपर खड़ा है, और जो 300 वाले वो भी अब रिस्क पे, और अब तो रही कितने गए आपके लिए, 8-10 मिनट रह गए हैं, तो वो पोजिशन डेफिनेटली निकल रही है। तो बाजार ना शॉर्ट कवरिंग में आज बढ़िया तेजी में आता हुआ दिखा है। बाकी आज ऐसे कोई खास स्ट्रेंथ नहीं कि भैया आज बढ़िया बन गया, तेजी आई है, लास्ट में लोग खरीद के गए, नहीं, आज शॉर्ट कवरिंग वाला मूव है। देखिए, लास्ट वीक शॉर्ट कवरिंग से गिरा था, और आज शॉर्ट कवरिंग नहीं कहते उसे, कहीं ना कहीं जो पोजीशन कट हुई है उसकी वजह से गिरा, एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, और आज शॉर्ट कवरिंग मूव था। अभी यहां पे मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो ये कि बाजार के बारे में सारा डाटा छोड़ो, आप टायर स्टॉक्स को देखो। सीएट भैया 2200 हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल भी कमेंट्स थे, आज भी वो कमेंट्स हैं कि क्या करें। सिंपल सा लॉजिक है, आप यहां खरीद रहे हो तो रिस्क लेके जा रहे हो, इतनी बड़ी मींस कल 5% ऊपर है तो आप बुक कर लोगे, लेकिन अगर 5% नीचे हो गया आप लॉस भी बुक नहीं करोगे, आप अपने वेट का अपने लेवल्स का वेट करते रहोगे और एक बड़े लेवल में फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ट्रेडिंग कर रहे हो, 2164 पे 2200 के लिए खरीद रहे हो, तो 2140 रुपए का स्टॉप लॉस तो रखना बनता है ना, तो एक प्रॉपर ट्रेडर की तरह करना, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्ट तो यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, और कर रहे हैं जो वो गलत कर रहे हैं। स्टॉक दोबारा नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा, तब लेना आराम से, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो। इन्फोसिस अच्छा मूव दे रहा है सेकंड हाफ में, कहीं ना कहीं आईटी और अदानी दोबारा से लीड करते हुए दिखे, जिसने बाजार को थोड़ा और स्ट्रेंथफुल बनाया और ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करी है। तो आईटी, मिड कैप आईटी स्पेशली लाइक कोफोर्ज, लाइक LTI माइंट्री, लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, ये मदद कर रहे हैं, और लार्ज कैप से इन्फोसिस काफी मदद करता हुआ दिखा है। इन्फोसिस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं 1350 रुपए तक की तैयारी कर रहा है। और अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया मूव आते हुए देखेंगे आपने। अदानी एंटरप्राइज अब 2524 का हो गया है, मैंने दिन के दौरान में इस पे 2 वीडियो बनाई है, पूरे ग्रुप पे भी और एक स्पेशली केवल अदानी एंटरप्राइजेस पे, जहां पे आप सभी के साथ कुछ लेवल शेयर करे थे। बाजार का एक बार पूरा का पूरा चेक आप सभी के साथ दे देता हूं कि कैसा क्या दिख रहा है मार्केट। तो सबसे पहले आते हैं मार्केट ब्रेथ पे। 1022 शेयर्स अभी पॉजिटिव है, 894 शेयर्स नेगेटिव है NSE पे। निफ्टी देखिए अब 18,330 हो गया, वो 300 वाले भी क्या हो रहे हैं, हम निकल रहे हैं पोजीशन बेच के, वो कह रहे हैं हम तो फंस गए भाई, कोई पैसा नहीं बनना, जीरो तो होगी, बढ़ी जा रही, तो वो बेच रहे हैं ना, तो वो और ऊपर ले जा रहा है बाजार को। तो ये बाजार को ना नीचे जाने में, मतलब नीचे नहीं जा रहा, जाएगा भी तो 3:25 के बाद, जब सबकी पोजीशन खाली हो गई। तो अब बाजार ना यही स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स सब हरे निशान में लौट गया है, बाजार पूरा हरे निशान में है। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा खास नहीं है, 1:1 है। रियलिटी, FMCG, ऑटो, मेटल, फार्मा, IT, ये लीडरशिप ले रहे हैं, और लीडरशिप में आ रहा है रियलिटी का नाम, 1% से ज्यादा दीजिए। गिरने में PSU बैंकिंग को छोड़ दिया जाए, बाकी सब फ्लैट है, कुछ है ही नहीं आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें तो 29 शेयर्स पॉजिटिव है, 21 शेयर्स नेगेटिव है। पॉजिटिव में बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस लीडर बन गए हैं दोबारा से, और अदानी एंटरप्राइजेस 2530 हो गया भैया, मजा आ गया। गिरने वाली बात करें तो टाटा मोटर्स, विप्रो, UPL, HDFC और सन फार्मा, ये मार्केट को गिराने का काम करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो आज का मार्केट सिंपल और सिंपल शॉर्ट कवरिंग के रूप में, बाजार में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और अच्छा दिखने लगा है, और बढ़िया तेजी बनी है।
अदानी ग्रुप पे मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, और बाकी आज दिन के दौरान एक आध वीडियो आफ्टर मार्केट भी आप सभी के साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अभी के लिए वीडियो, होप आप लोगों को समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।